अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में रिमोट आया है गाड़ी का। ये किया कंपनी का किया कार है, उसका ये रिमोट है। इसमें रिमोट भी है और ये काम नहीं कर रहा। अगर हम इसको देखें तो ये बटन काम कर रहा है, इसको प्रेस करेंगे तो ये काम नहीं कर रहा। ये लॉक वाला बटन काम नहीं कर रहा, गाड़ी लॉक नहीं होती। अनलॉक वाला बटन काम कर रहा है लेकिन लॉक वाला बटन काम नहीं कर रहा। यहाँ पे इसका स्क्रू है, इसको आप ओपन कर लीजिए। यहाँ से इसको ओपन किया हमने। ओपन करने के बाद बहुत आराम से इसको यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे टेप लगी हुई है, तो टेप को हम कट कर लेंगे। If we see from here, it is damaged. It is not touching, so we have to make some solution. ऐसे ही इसको ओपन करते जाइए। ये हमने इसको ओपन कर लिया। अभी इसके अंदर ये सर्किट है, ये इतना सा सर्किट है। यहाँ पे इसके एक स्विच लॉक अनलॉक और ये कोड आईसी है। होते हुए जब कोड ये आईसी ट्रांसमिट करेगी एम्पलीफायर सेक्शन से होते हुए इस एंटेने से ट्रांसमिट होगा और यहाँ से ये बैटरी लेता है। यहाँ से पॉजिटिव और आउटर साइड पे नेगेटिव, क्योंकि इसका सेल जो है, सॉरी, इनर नेगेटिव है आउटर पॉजिटिव है। इसको अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये देखें ये लाइट ऑन हो रही है, और अगर ये देखें तो ये हो गया। और इन दो पॉइंट्स को अगर ये शॉर्ट करेंगे ये दो पॉइंट्स पे, इसका मतलब है ये सर्किट फंक्शन कर रहा है। अब ये देखें, ये स्विच का पॉइंट, स्विच का ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाने से ये सर्किट काम कर रहा है। इनको आप क्लीन कर लीजिए, पहले पेस्ट लगा लीजिए। पेस्ट लगाने के बाद इन पे सोल्डर पेस्ट लगाइए। सोल्डर पेस्ट लगाने के बाद डिसोल्डर विक यूज़ करें। डिसोल्डर विक यूज़ करने के लिए इससे यह है कि कॉन्टैक्ट आपका क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, इन पॉइंट्स को हमने साफ कर लिया, डिसोल्डर विक को यूज़ करते हुए साफ कर लिया। ये दो पॉइंट शॉर्ट वाले जो हैं ये इस साइड पे आ जाएंगे, शॉर्ट वाले दोनों पॉइंट इस साइड पे आ जाएंगे इधर। दो कॉमन पॉइंट हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। आप इनको ऐसे रखते हुए ऐसे प्लेस कीजिए। प्लेस करने के बाद ऐसे इसको होल्ड कीजिए ताकि ये बराबर आए।
Now our remote, now this remote started working. What was the problem? This switch was opened from these contacts. Now we install this switch again and it's now working. It's like this. In this way, and we will install it here. Okay, now so now our remote started working. We have to now close it. Then we will make some stitching here in the corners so that it will be locked properly. It's back now. So now, before this button was not working. Now it's working. So now this remote is working.
So now this remote is working.